एयर इंडिया भोपाल को 5 राज्यों से जोड़ने के लिए जल्द ही नई उड़ानें शुरू करने जा रहा है। एयर इंडिया ने दिल्ली, जयपुर, इंदौर और रायपुर से नई उड़ानें शुरू करने का फैसला किया है। इस संबंध में DGCA को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। गंजबसौदा में एक घर में आग लगने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि घर में मौजूद 2 मासूम बच्ची और उसकी माँ घर से बाहर नहीं निकल पाए। तीनों की जलकर मौत हो गई। भोपाल समेत कई शहरों में टेलीकॉम कंपनियां 3G के बदले 2G सर्विस मुहैया करा रही हैं। ट्राई की हाल में आई एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। ट्राई ने भोपाल समेत कई शहरों में इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट किया था। इस टेस्ट में अधिकांश टेलीकॉम ऑपरेटर कॉल ड्रॉप बेंचमार्क को पाने में असफल रहे। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने पूरे प्रदेश में CDMA फोन बंद कर दिया है। कंपनी के लाखों उपभोक्ताओं के फोन पिछले 7 दिनों से बंद हो चुके हैं। इससे उपभोक्ता काफी परेशान हैं। दरअसल कंपनी ने पुराने CDMA सिम को 4G सिम में बदल दिया है। इसके चलते सभी पुराने हैंडसेट और सिम बंद हो गए हैं। अगले 2 दिनों के बाद भोपाल में मानसून दस्तक दे सकता है। चातक पक्षी के देखे जाने के बाद इसके कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल चातक पक्षी का आना मानसून आने का संकेत होता है। ये पक्षी साउथ अफ्रीका से करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा कर देश के कई हिस्सों में आता है।